जाति एक अनाथ बच्ची थी। छोटी सी उम्र में ही उसकी माँ ने उसे एक अनाथ आश्रम के पास छोड़ दिया था और खुद आत्महत्या करके इस दुनिया से विदा हो गई। दरअसल ख्याति एक बिन ब्याही माँ के कोख से जन्मी बच्ची थी। समाज के डर के मारे उसने ये कदम उठाया था। ख्याति की मौसी लता को जैसे ही पता चला कि वो एक अनाथ आश्रम में है, वो उसे वहां से निकालकर अपने साथ अपने घर ले आई। लता के हाथों में बच्चा देख लता का पति सुधीर आश्चर्य में पड़ गया। ये बच्ची किसकी है? तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये बच्ची मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली, उसे रोता देख मुझसे रहा न गया और मैं उसे अपने साथ ले आई। लता अपने पति से झूठ कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मरी हुई बहन का नाम बदनाम हो। अच्छा हुआ तुम इसे अपने साथ ले आई। बेचारी बच्ची कितनी मासूम है, ना जाने कैसी निर्दयी माँ है जिसने ऐसी फूल सी बच्ची को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। सुधीर और लता ख्याति को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। कुछ ही समय में ख्याति उनकी लाडली बन गई। एक दिन लता श्रृंगार कर रही थी, तभी नन्ही ख्याति ने अपने लड़खड़ाते कदम से अपनी माँ के पास आई और वहाँ रखा हुआ नेल पॉलिश लेने लगी। उसकी ऐसी मासूम हरकत देख लता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अले मेरी नन्ही परी को क्या चाहिए, आपको ये नेल पॉलिश लगानी है? हाँ माँ, मुझे नेल पॉलिश लगा दो। लता अपनी छोटी सी गुड़िया को नेल पॉलिश लगाती है। अपनी माँ को देखकर ख्याति को भी मेकअप और नेल पॉलिश से लगाव हो गया था। वो आए दिन अपनी माँ से नेल पॉलिश लगवाने लगी। कई साल बीत गए और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। एक दिन सुधीर और लता आंगन में बैठे हुए थे, तभी उनकी एक पड़ोसन उनके घर आती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। आप कहो तो बात आगे बढ़ाओ। लड़का बहुत ही बड़ा खानदान से है, आपकी बेटी राज करेगी, राज। लता और सुधीर रिश्ते की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी सुधीर पड़ोसन से कहता है, अरे भाभी, अगर आप लड़के और उसके परिवार को जानते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। हमें शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी ख्याति से इस बारे में बात कर लूं। उसे कोई आपत्ति तो नहीं है तो हम उसकी शादी करवा देंगे। सुधीर और लता अपनी बिटिया ख्याति को रिश्ते की बात बताते हैं। ख्याति अपनी माता पिता की हर बात मानती थी। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं आपकी कोई भी बात को नहीं टालूंगी। वैसे भी आज तक आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी निर्णय लिया है वो हमेशा सही ही रहा है, तो शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय आपने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हमें तुमसे यही आशा थी। अब जब तुम हाँ कह ही दिया है, हम बिना किसी देरी के लड़के और उसके परिवार से मिलकर तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। सुधीर और लता लड़के वालों से मिलने उनके घर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें लड़का और उनका परिवार दोनों ही बहुत पसंद आता है। वे तुरंत मुहूर्त निकाल कर उनकी शादी पक्की कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ख्याति की शादी हो जाती है। वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शुरू शुरू में ख्याति अपने ससुराल में काफी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति रोहन की असलियत पता चलने लगी। रोहन को जुआ खेलने का बहुत शौक था और वो रोज रात दारू पीकर घर आता और ख्याति को मारता था। एक दिन अपने जुए की लात के कारण रोहन अपना सब कुछ हार जाता है। रोहन की माँ को इस बारे में जानकारी मिलती है। मुझे तुझे अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। हजार बार समझाया था तुझे कि ये सब बुरे काम छोड़ दे, ये सब चीजें तुझे सिर्फ ले डूबेगी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। रोज रात आकर मेरी बहू को मारता पीटता है। तू निकल जा यहाँ से, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तेरी वजह से हमारे सर से छत भी चली गई। अब क्या हमें मार कर ही दम लेगा?
मुझे माफ कर दो माँ, मैं नशे में था। मेरे दोस्त ने चालाकी से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मेरी लत के कारण मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब मैं आप लोगों को गवाना नहीं चाहता। मत रोइए, आपने जो कुछ भी किया वो सब नशे में किया। अब से आप कसम खाइए कि आप ये सब बुरी आदतें छोड़ देंगे और अपने काम में ध्यान लगाएंगे। आज हमारे सब कुछ छीन गया है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। जैसे तैसे रोहन रहने के लिए एक लकड़ी की झोपड़ी बनाता है। रहने को छत तो मिल गई, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी न था। ख्याति ने अपनी इस हालत के बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताया। रोहन काम की तलाश में दर बदर भटकने लगा। वो तलाश करते करते थका हारा एक कुएं के पास बैठ अपने आप को कोसने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहां मैं एक आलीशान घर में रहता था और कहां आज एक झोपड़ी में रह रहा हूँ। आज मेरी वजह से मेरी माँ और पत्नी को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। हम अपना पेट काट काट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे जैसा नालायक पति और बेटा भगवान किसी को ना दे। रोहन बहुत पछता रहा था। उसको रोता हुआ देखकर अचानक एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? रोहन वहाँ देखने लगा। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे से बोल रहा हूँ। कौन है आप? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जरा मेरे सामने तो आइए। अरे तुम जिसके पास में बैठे हो, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। रोहन पीछे देखता है तो उसे कुआं दिखाई देता है। यहाँ तो कोई नहीं है सिवाय एक कुएं के, और ये आवाज तो कुएं से ही आ रही है। सही पकड़े, मैं कुआं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई नेल पॉलिश कुआं हूँ। मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा कि तुमसे इसका कारण पूछ लूं। रोहन जादुई नेल पॉलिश कुएं को सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनकर पहले तो जादुई नेल पॉलिश कुएं को बहुत गुस्सा आया, फिर उसने रोहन का पछतावा देख उसकी मदद करने की सोचने लगा। तुमने अब तक बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन तुम्हारी धर्म पत्नी का पुण्य तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आगे खड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी कुछ शर्त है, मेरी मदद से तुम्हें जो भी लाभ होगा उसे तुम गरीबों में भी बांटोगे और उनकी मदद करोगे। तुम सही राह पर चलोगे तो हमेशा सफल रहोगे। हाँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। तो ठीक है, मुझ में से तुम एक नेल पॉलिश निकाल लो और उसे अपनी नेक धर्म पत्नी के उंगलियों में लगा दो, फिर देखना चमत्कार। रोहन खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ख्याति रोहन के कहने पर वो नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है। आपके कहने पर मैंने नेल पॉलिश तो लगा लिया, लेकिन इससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ? कहीं आप दोबारा पी कर तो नहीं आए हो? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। अगर ये सब कुछ सच होता तो हमें कोई चमत्कार जरूर दिखाई देता। ये आपका कोई वहम होगा। आप वो सब बातें भूल जाइए और घर के बारे में सोचिए। ख्याति इतना कहकर घर के बाहर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। वो जैसे ही झाड़ू लेती है अचानक से देखती है कि घर अपने आप साफ हो जाता है। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर वो बर्तन धोने जाती है। बर्तन छूते ही सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। ख्याति अपने सास और पति को बुलाती है। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? अरे आपकी बात तो सच हो गई। सच में एक जादुई कुएं की नेल पॉलिश है। मैंने अभी जैसे ही झाड़ू को हाथ लगाया तो पूरा घर अपने आप ही साफ हो गया। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। ख्याति अपनी झोपड़ी को छू लेती है। झोपड़ी छूते ही वो एक आलीशान महल में बदल जाता है। ख्याति और उसका परिवार ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उस जादुई कुएं की नेल पॉलिश की वजह से व्यापार में बहुत तरक्की होती है और वे लोग अमीर बन जाते हैं।
रोहन गरीबों की मदद करने लगता है। वो बड़ा अमीर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद दौलत से अंधा होकर रोहन गरीबों को भूल जाता है। उनकी धर्म पत्नी उसे समझाती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अचानक उसके व्यापार में घाटा होने लगता है। उसके पास रुपए पैसों की कमी हो जाती है, कर्ज बढ़ जाता है। चाती, अब क्या करूं? सारा व्यापार चौपट हो रहा है। मैंने तो आपको समझाया था, लेकिन आप नहीं माने। आप अपने वादे भूल गए और उसका यही अंजाम हो रहा है। आप नेल पॉलिश के जादुई कुएं के पास जाइए। रोहन जादुई कुएं से मिलने के लिए चला जाता है। उसे रास्ते में जो भी गरीब भिखारी मिलते हैं, वो उन्हें रुपए पैसे देता हुआ चला जाता है। कुछ देर के बाद वो जादुई कुएं के पास पहुंच जाता है। रोहन, तुम अपना वादा भूल गए थे। तुम्हारी नेक धर्म पत्नी के कहने पर तुमने पुनः सही राह पकड़ ली है। अब उसे मत छोड़ना। ये लो, मैं तुम्हें फिर से एक नेल पॉलिश दे रहा हूँ। ये भी तुम्हारी धर्म पत्नी के लिए ही है। रोहन हाथ जोड़कर जादुई कुएं को धन्यवाद कहकर घर की तरफ चल पड़ता है। रोहन अच्छे कर्म करके और अपना वादा पूरा करते हुए एक बहुत ही कामयाब आदमी बनता है। वे गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने लगते हैं। ऐसा लगता है रोहन और उसका परिवार एक अच्छी और सुखद जिंदगी व्यतीत करने लगता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सवरी और सलोनी दो बहनें रहा करती थीं। दोनों बहुत ही गरीब थीं और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो सबसे मांग कर अपना गुजारा किया करती थीं। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अभी भी वो दूसरों से मांग कर ही खाया करती थीं। उनमें सलोनी, जो कि छोटी बहन थी, वो बहुत ही नेक और उदार लड़की थी, पर सवरी बहुत ही घमंडी थी। उसके घमंड करने के कारण दोनों बहनों को कभी कोई काम नहीं मिलता था। सलोनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी जब काम से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी खाना नहीं है और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कोई मिल जाए या कुछ दे ही दे। यह सोच सलोनी घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह साथ में अपने पानी की बोतल लेकर जाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो पानी ही पी लेते हैं। तभी उसके सामने खांसते हुए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं दादी माँ? सलोनी बिना कुछ सोचे अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत खुशी खुशी पानी पी लेती है। तुमने तो सारा पानी मुझे दे दिया, अब तुम क्या पियोगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर पी लूंगी। सलोनी की ये कहते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, सलोनी तुम बहुत ही नेक और उदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहते ही परी के हाथ में अचानक एक बर्तन आ जाता है और वो सलोनी को देती है। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इससे तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी ये पका कर तुम्हें दे देगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इसे रोकना चाहो तब इसे कहना कि रुक जाओ, मेरा पेट भर गया, तभी ये खाना बनाना बंद करेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सलोनी खुशी खुशी घर आती है और सवरी को उस जादुई परी और उसके दिए हुए बर्तन की सारी बात बताती है। क्या बच्चों सी बात करती हो, बर्तन भी क्या खाना पका सकते हैं? लेकिन सुनो तो सही, ये एक जादुई बर्तन है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुमको खाना हो तो आ जाना। सलोनी बर्तन से मीठे चावल मांगती है और ये क्या, तुरंत ही मीठे चावल उस बर्तन में से निकलने लगते हैं। तभी उसकी बहन भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भी खाना खाने आ जाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि
कि ये एक जादुई बर्तन है। ठीक है, ठीक है। अब सलोनी खुशी खुशी रोज काम पर जाती है और उसे खाने की कोई चिंता नहीं रहती। काम मिले ना मिले, वो हमेशा खुश रहने लगी। उसे इस तरह से खुश रहता देख उसकी पड़ोसी में रहने वाली उसकी सहेली को बड़ा अचंभा होता है कि सलोनी रोज तो खाना मांगने मेरे यहाँ आती थी, आजकल क्यों नहीं आती है और बहुत खुश भी रहती है। ये पता लगाने के लिए वो सलोनी के घर जाती है जहाँ टेबल पर बर्तन रखा होता है और दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। अरे रानी, तुम आओ, आओ हमारे साथ खाना खाओ, तुमने हमें बहुत बार खाना खिलाया है। रानी भी सबके साथ खाना खाने लगती है। तभी रानी के मन में ख्याल आता है कि ये क्या है, खाना कैसे निकल रहा है। तब वो सलोनी से पूछती है, इतना खाना कैसे निकल रहा है? ये एक जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मांगो ये बर्तन देता है। रानी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी रोज खाना मांग कर अपने और अपने घर का पेट भर दूं, माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कहीं घूमने गई हुई थीं। यह देख रानी चुपके से सवरी और सलोनी के घर में आती है और उस बर्तन से मीठे चावल मांगती है। जैसे ही रानी ने उसे चावल बनाने का आदेश दिया, उस बर्तन से मीठे चावल निकलने शुरू हो जाते हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते चावल बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अरे बस बस, मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन बर्तन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और चावल निकलते ही जाते हैं। रानी बहुत घबरा जाती है, वो क्या करे, देखते देखते पूरे घर में चावल फैल जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। अचानक दोनों बहनें घर में वापस आती हैं, पर दरवाजे पर ही इतना चावल देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सलोनी सावरी से पूछती है, सावरी क्या तुमने बर्तन को कुछ आदेश दिया था? नहीं तो। सलोनी खिड़की से अंदर झाँक कर देखती है तो ये क्या, अंदर तो रानी थी और वो टेबल के ऊपर बैठी रो रही थी। तब सलोनी खिड़की में से कहती है, मेरा पेट भर गया, अब बस करो। सलोनी की आवाज सुनकर बर्तन से खाना निकलना बंद हो जाता है, लेकिन जब तक पूरा घर चावल से भरा हुआ होता है, तब सलोनी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना नए चावल हम गरीबों में बांट दें, इससे कितने लोगों का पेट भर जाएगा। यह सोच वह सावरी से कहती है, सावरी एक काम करो, जल्दी जल्दी जाकर जो भी गरीब और भूखे लोग दिखे उसे यहाँ पर बुलाओ, हम खाना सबको बांट देंगे। एक तरफ सवरी जाती है, एक तरफ सलोनी जाती है, दोनों सबको बुला लेते हैं और खाना बांट देते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो जाता है और घर भी खाली हो जाता है और फिर रानी अपनी उस गलती की माफी मांगती है। सबके बाद सलोनी बहुत खुश होती है कि चलो अब से कोई भी आसपास भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी रोज गरीबों को खाना दिया करती थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके घर में आता है और उनसे वो जादुई बर्तन मांगता है और कहता है, बेटा मेरे पास घर में बहुत से बच्चे हैं और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम मुझे ये बर्तन दे सकती हो? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। सवरी और सलोनी दोनों ने बिना सोचे ये फैसला ले लिया कि बाबा को बर्तन दे देना चाहिए। सलोनी तुरंत बाबा को बर्तन दे देती है। तभी अचानक बाबा उसी जादुई परी के रूप में बदल जाते हैं जिसने सलोनी को ये बर्तन दिया था। ये देख सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे आप, मैं देखने आई थी कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो, तुम कितना सबकी मदद करती हो और तुम्हारी बहन भी कितनी ज्यादा बदल गई है, इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और उसके बाद सलोनी और सवरी पूरे गांव के लोगों में रोज खाना बांटती हैं।